नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जी टीवी के लोगों के बारे में कि आप जी टीवी का लोगो किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहां पर जाना है टेक्स्ट टूल पर। टेक्स्ट टूल पर जाने के बाद यहां पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है आपको कैपिटल लेटर में जेड। जेड टाइप करने के बाद यहाँ से आपको सिलेक्शन टूल यूज़ करना है और यहाँ से आपको लेना है एरियल ब्लैक का फॉन्ट। एरियल ब्लैक फॉन्ट लेने के बाद कॉर्नर से इसको पकड़ करके थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए और अब अपने कीबोर्ड से प्रेस करिए कंट्रोल क्यू कन्वर्ट लाइन टू कर्व के लिए और F10 शेप टूल के लिए। इसको थोड़ा सा आप चौड़ा कर दीजिए इस तरीके से, यहाँ से भी और थोड़ा सा नीचे से भी। और उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो लाइन नज़र आ रही है इस लाइन पर आपको सिंगल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कन्वर्ट लाइन टू कर्व का एक ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये जो कॉर्नर आपको दिखाई दे रहा है इस कॉर्नर पर आपको डबल क्लिक कर देना है, इससे जो एरो होगा वो खत्म हो जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पर भी आपको सिंगल क्लिक करना है, कन्वर्ट लाइन टू कर्व का यूज़ करना है और इस पर आपको डबल क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ से लेना है रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल लेने के बाद इस तरीके से रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद फिर से कंट्रोल क्यू और F10 का यूज़ करना है और यहाँ से आपको कॉर्नर पर डबल क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर यूज़ करना है सिंगल क्लिक और यहाँ से आपको लेना है कन्वर्ट लाइन टू कर्व का फिर से ऑप्शन। ये एरो नज़र आ रहा है, इस एरो को पकड़ करके आपको स्ट्रेटली ऐसे खींच लेना है और उसके बाद यहाँ पर सिंगल क्लिक कर फिर से करना है और फिर से कन्वर्ट लाइन टू कर्व का यूज़ करना है। एक बार फिर से हम करके देखते हैं, सिंगल क्लिक कन्वर्ट लाइन टू कर्व और यहाँ से इस एरो को उठा करके हमें स्ट्रेटली इस तरीके से सेट कर लेना है। इसके बाद सिलेक्शन टूल यूज़ करना है, इसके अंदर वाइट कलर फिल कर देना है और इसको उठा करके यहाँ पर हमें रख देना है। फिर से डबल क्लिक करके इस एरो को हम उठा करके इस तरीके से यहाँ पर सेट कर देंगे। जूम करके इसको आगे से आप ध्यान रखिएगा, इस डॉट को बिल्कुल मत छेड़िएगा। इसके आगे वाली लाइन को पकड़ करके हल्का सा इसको पीछे सेट करना है और फिर से इसको क्या करना है, एडजस्ट कर देना है इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ से सिलेक्शन टूल यूज़ करना है, दोनों ऑब्जेक्ट को एक साथ सेलेक्ट कर लेना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा ट्रिम का, इस ट्रिम वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। ट्रिम करते ही आपका जो ऑब्जेक्ट होगा यहाँ से कट जाएगा और उसको बाहर निकाल करके यहाँ से डिलीट कर दीजिए। इसके बाद यहाँ से आपको लेना है टेक्स्ट टूल वापस से और यहाँ पर कैपिटल लेटर में टाइप करना है ZTV और यहाँ से आपको सिलेक्शन टूल यूज़ करके एरियल ब्लैक फिर से फॉन्ट ले लीजिए और यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए और यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। दोनों को एक साथ सेलेक्ट करिए और सी दबा दीजिए। सी से होता क्या है, ये दोनों ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर में सेट हो जाएगा और यहाँ से जो भी कलर आप इसके अंदर फिल करना चाहें वो कलर आप यहाँ पर ईजिली फिल कर सकते हैं। इस तरीके से ZTV का लोगो आपका बन के तैयार हो गया है। इसके बाद आप इसे कंट्रोल जी कर दीजिए, कंट्रोल जी होता है आपका ग्रुप के लिए। पी दबाइए, पी से आपके पेज के सेंटर में सेट हो जाएगा ये। F4 दबाइए, F4 से आपका फोकस हो जाएगा लोगो और F9 दबाइए, F9 से आप फुल स्क्रीन पर इसे करके देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था ZTV लोगो बनाने का तरीका। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।